is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए डेनियल मरे बिकम का एक और वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, हमारे यहाँ फ्लावरिंग की सीजन चल रही है। ये दोस्तों 2800 का एक ब्रांच ग्रोन प्लांट है। इसको मतलब मैंने ब्रांच से ग्रो किया हुआ है और देखिए इसकी फ्लावरिंग के मामले में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। इसकी खास बात मुझे बहुत पसंद हुआ ये कि इसके फ्लावर जो है वो बंच में आते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखें, एक ही साथ जो चारों तरफ से और ऊपर से भी जो है वो बंच में फ्लावर खिलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम हमारे वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों डेनियम की एक बहुत ही जो हमें परेशान करने वाली समस्या, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है वीडियो में, ये है दोस्तों मिलीबग। आज हम इस वीडियो में डेनियम में होने वाले मिलीबग और उसको कैसे मैं दूर करता हूँ और आप कैसे दूर कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने यूट्यूब के एनालिटिक्स में देखा है कि हमारे वीडियो जो है वो काफ़ी लोग देखते ज़रूर है, आप लोग रेगुलरली देखते हो, लेकिन उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप भी उनमें से है तो चैनल को पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये है मिलीबग। देखे इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे कीटक होते हैं। ये एक तरह का सकिंग पेस्ट है, मतलब कि ये जो हमारे प्लांट है उसकी शाखाओं पे चिपक जाते हैं और उसमें से जो है वो प्लांट का जो रस होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो खींचते रहते हैं, सक करते रहते हैं और जो है वो हमारे प्लांट को वीक कर देते हैं। ये जो है वो बहुत सारे जो हमारे गार्डन प्लांट होते हैं उसमें बहुत ही मात्रा में जो ठंड का मौसम होता है या फिर वेदर चेंज होता है तब ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मिलीबग जो है स्वाजिकम या फिर DHA जैसी जो सेंसिटिव वेराइटी हैं होती है उस पर ये बहुत अटैक करते हैं। अब देखिए ये मेरा स्वाजिकम का प्लांट, इस पर इसने इतनी बुरी तरह से अटैक किया हुआ है कि एक भी बर्ड्स, देखिए आप किस तरह से बर्ड्स हो गए, एक भी बर्ड्स को खिलने ही नहीं देते। तो इसको बहुत जल्दी क्योर करना पड़ता है वरना ये पूरे प्लांट पर जो है फ्लावर ही नहीं आने देगी और एक वक्त पर जो है प्लांट इतना वीक हो जाएगा कि वो अपना ग्रोथ ही छोड़ देगा। देखिए तो इसका क्योर के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो है वो फैलाव कैसे होता है, मतलब ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कैसे लगेगी। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये जिस प्लांट पे भी होगी वहाँ पे चींटियाँ बहुत होगी उस प्लांट पे, और जो ये मिलीबग होगी उसके ऊपर भी चींटियाँ बहुत होगी इस तरह की। तो दोस्तों होता क्या है कि ये मिलीबग जो होते हो एक तरह का स्वीट जो है वो अपने अंदर से रस निकालते रहते हैं जिससे वो ये सारी चींटियाँ जो है वो बहुत अट्रैक्ट होती हैं, और ये रस के लिए चींटियाँ जो है वो मिलीबग के ऊपर आसपास मंडराती रहती है, आ जाती है जल्दी से। तो इस ऐसे में चींटियाँ जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाती रहती है। तो करती क्या है कि देखे ये चींटी जो भी यहाँ पे है मिलीबग के ऊपर, तो ये अपने साथ जो यहाँ से जाएगी तो मिलीबग के जो लार्वा हो गए, अंडे हो गए, जो भी होगा वो भी अपने साथ लेती जाएगी। तो इसी तरह से मैक्सिमम इसका फैलाव जो है वो चींटियों के द्वारा जरिए होता है। तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, जो भी आपके प्लांट है जहाँ पे भी मिलीबग होगी वहाँ चींटियाँ बहुत ही मिलेगी आप। तो इस केस में अब हम कर क्या सकते हैं, तो देखें दोस्तों सबसे पहले तो जिस प्लांट पे भी मिलीबग होगी वो प्लांट को आप अपने जो भी गार्डन प्लांट है उनसे सेपरेट कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। देखिए मैंने ये दोनों प्लांट को जो है वो सेपरेट कर दिया है। और एक बात का आप ख्याल रखिए कि जो हमारा प्लांट है, पॉट है, उसके नीचे आप कोई भी चींटियों की जो दवाई होगी जिससे चींटियाँ दूर रहेगी वो स्प्रेड कर दीजिए, या फिर जो है वो हल्दी का पाउडर, टर्मेरिक पाउडर कहते हैं, उसका स्प्रेड कर दीजिए ताकि जो है वो चींटियाँ उस पर ना आए और उसको ज़्यादा फैलाए नहीं, वरना ये इतना भयानक तरीके से फैलते हैं कि आपको एक हफ्ते में पूरे गार्डन में हो जाएगी। अब बात करते हैं इसको रोकते कैसे हैं। तो देखिए कई सारे ऐसे केमिकल दवाई आती है इसके लिए आजकल मार्केट में, लेकिन हमें गार्डन में थोड़ा सी मात्रा में चाहिए होती है तो हम केमिकल दवाई जो है वो एक्सपेंसिव होती है, हमें चाहिए एक या दो बार के लिए तो पूरी बोतल खरीद नहीं सकते। तो मैक्सिमम लोग हम यही करते हैं
कि जो नीम ऑयल है और जो साबुन का पानी है उसको मिक्स करके कई लोग स्प्रे करते हैं, लेकिन ये मिली बग पे इफ़ेक्टिव नहीं है, उससे मिली बग जाएगी नहीं। मिली बग के लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो मैंने एक्सपीरियंस किया और कई लोगों से बात करके मुझे पता चली वो है अल्कोहल। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो अल्कोहल मतलब शराब होती है, रम होती है, जो जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है उसका जो है वो स्प्रे करते हैं और जो मिली बग होते हैं उसके ऊपर उसको लगाते हैं। उससे होता क्या है कि जो इसका वैक्स का कोटिंग होता है ऊपर का, ये आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, वो निकल जाता है अल्कोहल से, और फिर जो है वो सनलाइट पड़ने से या फिर कोई भी दवा उसके ऊपर स्प्रेड करोगे तो तुरंत जो है वो मिली बग मर जाएगी। तो देखिए, मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जहाँ पे शराब बैन होगी, मिलता नहीं होगा अल्कोहल, तो वो लोग क्या करें, तो वो देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो मेडिकल में यूज़ होता है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखिए मैं आज इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, देखिए इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। इससे भी जो बेस्ट होगा वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है जो आप लोगों को वो भी मेडिकल से मिल ही जाएगा शायद, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे भी आपको ये नज़र आए उसको आप इस तरह से एक स्टिक लीजिए, ये टूथ स्टिक होते हैं वो लीजिए, और उसको जो मिली बग होगी उसको आप इस तरह से हटा दीजिए, जितनी हो सके उतनी आप स्टिक से हटा दीजिए इस तरह से। इस तरह से सारे मिली बग को सबसे पहले आप छोटे से टूथ स्टिक लीजिए और उससे जितनी हो सके निकल जाए उतनी आप निकाल लीजिए इस तरह से। और एक बात का ख्याल रखें, ये जो स्टिक होते हैं इसको आप दूसरे प्लांट के आसपास भी ना ले जाए, इसको आप जला दीजिए उसके बाद, वरना क्या होगा, ये जो मिली बग होगी स्टिक पे लगी है वो दूसरे प्लांट पे डेफिनेटली लग जाएगी। तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से जला दीजिए, यही सबसे बेस्ट होगा, कहीं पे फेंके भी मत, वरना ये जो है वो वापस आ ही जाएंगे। उसके बाद जो है आप ये अल्कोहल है इसको इस तरह से देखिए मैंने छेद किया हुआ है लीजिए। अगर इस तरह से स्प्रेड ना हो तो आप एक काम कीजिए, इस तरह से ब्रश लीजिए और उसको अच्छी तरह से इस तरह रगड़ दीजिए। देखिए जरा से भी रहनी नहीं चाहिए, आप ब्रश से अच्छी तरह से रगड़िए, जितना हो सके इतना अल्कोहल डालिए। ये बहुत ही सस्ती बोतल मिल जाती है, तो आप भले ही एक दो बोतल खाली हो जाए उससे आप डरिए मत। तो बस आप इस तरह से कर सकते हो। देखिए आपको ऐसा कंटिन्यूस दो तीन दिन तक आपको करना होगा, हर सुबह आप कर दीजिए या फिर शाम को कीजिए, तो इस तरह से जो है वो तो बड़ी आसानी से आप मिली बग से छुटकारा पा लोगे। तो आपको ऐसा नहीं एक बार में अगर ना जाए तो आपको दो तीन बार ट्राई करनी होगी इसी तरह से, तो इस तरह करते रहने से जो है वो डेफिनेटली मिली बग चली जाएगी। हो सके तो आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कीजिए या फिर कोई अच्छी खासी रम लीजिए, उसका इस्तेमाल सबसे बेस्ट रहेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो और आप अपने जो यहाँ मिली बग होती है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो उसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, जिससे मुझे भी कोई नई टेक्निक पता चलेगी, मैं तो इसी तरह से हटाता हूँ। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।